नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजार का मैं आज एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर मनी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। तो कमोडिटी बाजार के अपडेट में शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोना इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1773 पर कारोबार कर रहा है और सिल्वर देख रहे हैं कि $23.8 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट्स में अब कुछ बढ़त बनती हुई नजर आई है, जिसका असर कहीं ना कहीं जो घरेलू वायदा बाजार है MCX गोल्ड सिल्वर है उनकी कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। एनालिस्ट का कहना है कि सोने चांदी की कीमतों में शॉर्ट टर्म के लिए कुछ तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। दरअसल अभी दिवाली पास आ रही है, दिवाली से पहले धनतेरस आता है जिसमें लोग सोने चांदी की कीमत सोने चांदी से बने आभूषणों की ज़्यादा खरीदारी करते हैं। तो जो व्यापारी हैं उनकी ताज़ा लेवाली की वजह से स्टॉक करने की सोने चांदी को ज़्यादा खरीद करने की वजह से ज्वेलरी की ज़्यादा पूछ परख होने की वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं दिवाली तक कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। तो छोटी अवधि में सोने चांदी की कीमतों को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें यहाँ से कच्चे तेल की तो देख रहे हैं WTI $81 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $84 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। WTI और ब्रेंट दोनों की ही कीमतों के अंदर इस वक्त आधे आधे फीसदी की करेक्शन मामूली सी देखने को मिल रही है। दरअसल कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो भी थोड़ी कम है देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब डिमांड ज़्यादा है कोल और जो एनर्जी जो नेचुरल गैस सेक्टर है वहाँ पर उस दोनों में कमी देखने को मिली है ग्लोबली, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है क्रूड ऑयल की डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से सप्लाई कम जितनी सप्लाई हो रही है वो सप्लाई पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त का दौर अभी देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल है भारत के अंदर उनकी कीमतों में भी लगातार तेजी बनती हुई नज़र आ रही है। तो आज सोना चांदी कच्चा तेल और बेस मेटल्स में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि आज सोने चांदी की कीमतों में कहीं ना कहीं बढ़त बनती हुई नजर आ रही है पहले के मुकाबले, अब आपको क्या लगता है? जैसे दिवाली से पहले धनतेरस पड़ता है और सोने चांदी की जो बने आभूषण होते हैं उनकी खरीदारी बढ़ जाती है, तो क्या तब सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिल पाएगी और क्या दिवाली के जाने के बाद सोने चांदी की कीमतों में यह तेजी जारी रह पाएगी? देखिए, सोने और चांदी के अंदर अभी तेजी का ही दौर है और जहां तक दिवाली की बात है बिल्कुल डोमेस्टिक मार्केट में अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है और हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जो रेंज थी उसको ब्रेक करके सोना अब ऊपरी स्तरों पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। पहले 45,000 से 46,000 की रेंज के बीच में देख रहे थे, अभी वापिस से 47,000 के ऊपर गोल्ड निकल चुका है। अब यहां से 48,000 से लेकर हो सकता है आपको 50,000 तक भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ग्लोबल अगर सिनेरियो देखें तो जिस तरीके से डॉलर के अंदर वीकनेस बनी है उसका एक सीधा इंपैक्ट जो है वो सोने के ऊपर भी आता हुआ हमें दिखाई दिया है। और अभी फिलहाल जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से इन्वेस्टर जो है वो सेफ हेवन डिमांड की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोने के अंदर धीरे धीरे करके खरीदारी देखने को मिल रही है और अभी वापस से मुझे लगता है कि खरीदारी बढ़ सकती है। वायदे के अंदर देखा जाए तो बहुत ज्यादा भी मूवमेंट इतना एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन घरेलू बाजारों में हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल की मैं बात करूं तो ज्वेलर्स की शॉप पर आज भी देखा जाए तो अच्छी खासी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई देती है सोने की को लेकर। अगर थोड़ा सा भी प्राइस नीचे आता है तो वहां पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि सोने के अंदर बाइंग कभी भी कम होती दिखाई नहीं देगी। अभी फिलहाल जो है जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है उसके चलते तेजी बन सकती है और 48,000 का इमीडिएट टारगेट सोने के अंदर लिया जा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में 65,000 जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि 65,000 के टारगेट के लिए इसमें बाय कर सकते हैं। अगर आज 65,000 के ऊपर चांदी निकल जाती है तो आपको ऊपर में 66,000 से लेकर 68,000 का भी स्तर आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए सोना और चांदी काफी बुलिश होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर $1780 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो 1800 से 1820 तक ऊपर सोना जा सकता है। जी, तो यानी कि सोने चांदी की कीमतों में त्योहारी सीजन के चलते भारत में फिजिकल मार्केट के अंदर सराफा बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है, वहीं इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में जो सोना है $1800 के ऊपर एक बार फिर से जाता हुआ नजर आ सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल में भी देख रहे हैं कि बढ़त जारी है, ब्रेंट क्रूड ऑयल $84 पर और WTI $81 पर कारोबार कर रहा है, आपको क्या लगता है
जिस हिसाब से लगातार भारत की अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, तो ये जो कच्चे तेल में तेजी का जो सिलसिला है कब तक थम सकता है? क्योंकि देख रहे हैं कि कोल पावर संकट भी है, एनर्जी क्राइसिस भी है वैश्विक स्तर पर, और दूसरा नेचुरल गैस भी में की जो सप्लाई है वो भी कम होती हुई नजर आई है। देखिए, जो कच्चा तेल है, कच्चे तेल के अंदर अभी भी अच्छी खासी तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है इन लेवल्स के ऊपर भी। आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर है ऊपरी स्तरों पर, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अभी भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। और जिस तरीके से डिमांड फैक्टर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, और अब आगे जो है इसका स्टॉक की इन्वेंट्रीज निकल कर आनी है, उसके ऊपर काफी कुछ चाल जो है वो डिपेंड करेगी। छुटपुट गिरावट आ सकती है, उसके चलते अगर इन्वेंट्रीज बढ़कर के आती है, जैसे कि लास्ट वीक भी इन्वेंट्री बढ़कर के आई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी भी बाजारों के अंदर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। आज इंट्राडे में जरूर बाजार गिर सकता है एक बारी। अगर हम नवंबर वायदा की बात करें तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बन सकता है, नीचे में एक बार 6120 तक लुढ़क सकता है, उसके आसपास जो है एक बार फिर से बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल के लिए इंट्राडे में क्रूड में थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी भी निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति लेकर चला जा सकता है। ये सर जी, अगर नजर डालें बेस मेटल्स की ओर, तो देख रहे हैं कि 2 से 3 दिन की तेजी के बाद आज बेस मेटल्स पर एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है। आपको क्या लगता है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से और ज्यादा गहराएगी, या फिर यहाँ से बेस मेटल्स में एक बार फिर से खरीदारी निकलेंगी और अच्छी खासी कीमतें देखने को मिलेंगी? देखिए, अभी बेस मेटल में थोड़ा सा करेक्शन का मोड जो है आज देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बेस मेटल की बात करें तो अभी तेजी में ही है। आप देखिए, निकल जो है 7 साल के रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। निकल के साथ साथ अच्छी खासी तेजी जो है हमें एल्युमिनियम में भी देखने को मिली है, कॉपर के अंदर भी तेजी देखने को मिली। तो ये सारे फैक्टर, सभी जो बेस मेटल्स हैं अभी तेजी की तरफ ही है। दरअसल ऊर्जा संकट की वजह से प्रोडक्शन जो है वो काफी कम होता दिखाई दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबली इसकी डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई दी है। इस वजह से इसके अंदर एक तेजी थी। अभी आज करेक्शन है, आज इंट्राडे में प्राइसेस के अंदर दबाव जो है वो बन सकता है। अगर बात करें निकल की, तो 1520 तक या 1500 तक नीचे लुढ़क सकता है, वहां पर सपोर्ट लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं कॉपर की बात करें, 780 से नीचे 760 तक एक बार नीचे जा सकता है। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक भी 292 से लेकर 288 तक नीचे एक बार सपोर्ट ले सकता है। तो आज इंट्राडे में फर्स्ट हाफ में गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वापस से तेजी जारी रहेगी। तो आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से वाली की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म होरिजन वही डीप पे खरीदारी करके चलना चाहिए। रूपा जी, आपकी तरफ से नॉन एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स कौन से रहेंगे जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है इंट्राडे के अंदर? के हिसाब से आज के नॉन एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो सोने और चांदी के अंदर खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है। सोना 47,200 के आसपास आए तो वहां खरीदारी कीजिए, ऊपर में 47,500 से 600 का टारगेट ले सकते हैं। वहीं चांदी के अंदर भी करंट लेवल के ऊपर थोड़े से डिप पर खरीदारी कर सकते हैं, 64,200 के आसपास या 64,000 की रेंज में, ऊपर में 65,000 का टारगेट लिया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आज सोने और चांदी में खरीदारी बनती दिखाई दे रही है, जबकि बेस मेटल और कच्चा तेल आज लुढ़कते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमिटीज़ की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट एम्स टीवी पर।